हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनाया जाता है। बाजार में स्टीम मोदक, फ्राइड मोदक, चॉकलेट मोदक और ड्राई फ्रूट मोदक देखने को मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल नई और स्वादिष्ट ओरियो बिस्किट मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ओरियो बिस्किट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच कंडेंस मिल्क लिया है, साथ में 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा लिया है, और इसी के साथ मैंने एक बड़ा पैकेट ओरियो बिस्किट का लिया है, और साथ में लेंगे मोदक मोल्ड। बाजार में अलग अलग साइज और शेप के मोदक मोल्ड मिलते हैं, आप किसी भी मोदक मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस सिंपल सी सामग्री के साथ में आप 10 मिनट में ओरियो बिस्किट के मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओरियो बिस्किट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आप सारे बिस्किट्स को पैकेट से निकाल कर रख लें। इस पैकेट में 11 ओरियो क्रीम बिस्किट हैं और आप इससे 3 बड़े साइज के मोदक आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक एक करके बिस्किट से बिस्किट की क्रीम को चम्मच की सहायता से निकाल कर अलग कर लेंगे। और दर्शकों, आज की यह बिस्किट के मोदक की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा, और आप भी आसानी से इस तरह से ओरियो बिस्किट के परफेक्ट मोदक घर पर आसानी से बना पाएंगे। मैंने सभी बिस्किट्स को क्रीम में से अलग करके रख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने जो बिस्किट्स में से क्रीम निकाल कर अलग रख ली थी, उसमें हम 1 से 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि इस मिश्रण को बनाते समय हमें इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए, मैंने इस मिश्रण को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब तैयार है मोदक में भरने के लिए यह फिलिंग या स्टफिंग। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है। अब हम सारे बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इनका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए, हमने बिस्किट का एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में कंडेंस मिल्क लिया है और मैं पूरा कंडेंस मिल्क बिस्किट के पाउडर में एक साथ नहीं ऐड करूंगी। तो एक एक चम्मच करके हम इस मिश्रण में कंडेंस मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे, और बिस्किट के पाउडर में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए उतना ही हमें इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। आप एक साथ 4-5 चम्मच कंडेंस मिल्क बिस्किट के पाउडर में ऐड कर देंगे तो मिश्रण बहुत ही गीला हो जाएगा और फिर मोदक बनाने में कठिनाई होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके पास में कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बिस्किट पाउडर में मैं स्टेप बाय स्टेप कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम इसका एक चिकना सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि बिस्किट के पाउडर में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो चलिए, मोदक बनाने के लिए हमने कवरिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम मोदक मोल्ड लेंगे और इस मोल्ड को अंदर से थोड़ा सा देसी घी लगाकर चिकना कर लेंगे, और मोदक के मोल्ड को थोड़ा सा घी से चिकना करने से मोदक मोल्ड में से काफ़ी आसानी से बाहर निकल आता है। अब थोड़ा थोड़ा करके बिस्किट का डो मोदक में डाल दें और इस मोदक के मोल्ड को बंद कर दें, और अब उंगली से या अंगूठे की सहायता से मोल्ड के अंदर के डो को अच्छी तरह से प्रेस कर लें। इस तरह से डो पर मोल्ड के अच्छे से निशान भी आ जाएंगे और इसमें फिलिंग रखने के लिए गहराई भी हो जाएगी। तो चलिए, हमने जो पहले नारियल के बुरादे और बिस्किट के क्रीम की फिलिंग बनाई थी उसे हम ले लेते हैं और इसे मोल्ड के अंदर डाल देते हैं। फिलिंग को मोल्ड के अंदर डालने के बाद में इसे उंगली से थोड़ा सा प्रेस कर लें, और ध्यान रहे कि फिलिंग या स्टफिंग को बहुत ज़्यादा ना भरें वरना ये बाहर आ जाएगी। और अब फिलिंग रखने के बाद में फिलिंग को कवर करने के लिए बिस्किट के डो में से थोड़ा सा डो लेकर इसको कवर कर लें, और अब मोदक के मोल्ड को हल्के हाथों से खोल लें। आपके बहुत ही बढ़िया शेप के ओरियो मोदक बनकर तैयार हैं।
आप देख सकते हैं मोदक के ऊपर बहुत ही बढ़िया शाइन आई है, और हमने जो देसी घी मोदक के मोल्ड में लगाया था, जिस वजह से मोदक मोल्ड में से आसानी से निकलकर बाहर आ गए हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लीजिए। दर्शकों आप देख सकते हैं ओरियो बिस्किट से मोदक बनाना कितना आसान है, और बच्चों को यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार जरूर इस तरह से ओरियो बिस्किट से मोदक बनाकर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।